इमरान अब्बास डिलीवरिंग अ पिज्जा टू नीलम मुनीर। तुम? जी मैं। इंटरेस्टिंग, उस दिन सूट बूट में और आज यूनिफॉर्म में पिज्जा बॉय। और जब भी वो कोई आता था और मैं कभी गेट पे चला जाता था तो वो सब सर सर क्या आपने कैरेक्टर किया, आपने तो हमारे वाला कैरेक्टर किया। तो मैं कहता था यार हाँ आप मुझसे बहुत बेहतर हो, मैं तो सिर्फ ड्रामों में नजर आ रहा हूँ। टू खुदा और मोहब्बत वन से मेरे इतने प्रोजेक्ट्स आए सब एक जगह, लेकिन खुदा और मोहब्बत का हमाद पहले वाले सीजन का उसकी पहचान जो थी वो बड़ी प्यारी थी। आया लड़िए नी तेरा सेरे वाला। Hi, this is Kehkishan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं। एक तो ये कि मैं पहली दफ़ा उनका इंटरव्यू कर रही हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि ये वो वाहिद ऐसे सेलिब्रिटी हैं या ऐसे हमारे आज के गेस्ट हैं जिनको सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत प्यार मिलता है। और मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, लेकिन हुज़ विद अस इन द चैट बॉक्स टुडे, इमरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, कैसे? मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि आपके साथ साथ मुझे आपकी ही बातें रिपीट करी। सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, प्लान नहीं किया था ये इंटरव्यू हमने? बिल्कुल अनप्लान्ड अनप्लान्ड है, और बिल्कुल 10 मिनट पहले मुझे पता चला और हमने आपको यहाँ बिल्कुल पकड़ लिया। खुद एक्चुअली बहुत अभी लाहौर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, और वहाँ भी सारी रात की शूट थी, और यहाँ भी आके कुछ 3-4 इंटरव्यूज लाइंड अप थे वन आफ्टर अनदर। तो बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल ड्रेन हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं आ पा रही हैं तो बस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, ड्रामास भी हैं आपके, टेलीफिल्म्स भी हैं, साथ साथ आपकी फिल्म भी आ रही है जिसके बारे में बड़ी खबरें आजकल चल भी रही हैं। सब पर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले तो ये बताएँ कि अभी रिसेंटली हराम जुनू जियो पर ख़त्म हुआ, और उसमें हमने एक क्यूट बॉय शायान पिज्जा डिलीवरी बॉय शायान को देखा। तुम? जी मैं। इंटरेस्टिंग, उस दिन सूट बूट में और आज यूनिफॉर्म में पिज्जा बॉय। तो सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। सो हाउ डिड इट हैपन टू यू? हाउ डिड हराम जुनू हैपन? या अच्छा, मैं क्योंकि लास्ट मैंने से पहले कौन सा किया था, आई थिंक अमानत था या कौन सा, जी खुद भी भूल गया, अमानत था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, और मैं मुझसे बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, सो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रहे थे, लेकिन हराम जुनू मुझे लग रहा था कि इसके अंदर एक बड़ी अच्छी सी एक कमर्शियल एक इसके अंदर एक अपील है। तो और वैसे ही हुआ कि लोगों ने उस कैरेक्टर में बहुत पसंद किया मुझे, और उसके बाद वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो गया था, थोड़ा सा ड्रैग हो गया था, बट इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, बट आई एम सरप्राइज दैट टिल द एंड दैट वाज द हाईएस्ट रेटेड प्रोजेक्ट ऑफ द सीजन। और उसमें वो एक एक एपिसोड 2 दिन के अंदर उसके 10 मिलियन हो जाते थे, 12 मिलियन। तो मैं कहता था यार इतना प्यार लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट तुम्हारे हुसन के नाम, जी बिल्कुल, वो आपने सिकंदर का कैरेक्टर वो मेरे दिल के बहुत करीब कैरेक्टर था, इसलिए कि उसमें एक ऐसे लड़के का रोल था जो आर्किटेक्ट है, शायर है, म्यूज़िक जानता है और सारी चीज़ें, तो वो मुझे लगता था कि बहुत रिलेटेबल है टू माय ओन पर्सनालिटी, बिकॉज आई एम आल्सो एन आर्किटेक्ट एंड आई एम अ पोएट एज वेल, आई स्टडी फ्रॉम द सेम वसिनिटी, ऑल्दो द कॉलेज वॉज नॉट द सेम, इट वॉज शॉर्ट इन गवर्नमेंट कॉलेज, मैं NCA का हूँ, लेकिन वो इरा और सारी चीज़ें वॉज वेरी वेरी रिलेटेबल, सो I love doing that project too. अच्छा, जब आपका अहराम जुनून आया तो उसके काफ़ी टाइम के बाद आप किसी ड्रामे में नज़र आ रहे थे, तो आई थिंक वो एक फ़ैन फॉलोइंग का भी आपकी क्रेज था कि उन्होंने बड़ा उस ड्रामे को फॉलो किया। अच्छा होता है, थोड़ा वक्फे से आना चाहिए। और बाकी ये कि हाँ वही वाली बात के स्क्रिप्ट इतने सारे आए थे कहकशां बीच में, और से बहुत अच्छे अच्छे भी थे, जो कि मैं बस एक मैं बहुत ही अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूँ कि जब दिल चाहता है नहीं करना तो फिर नहीं करना, और कोई बहुत बुरा सा प्रोजेक्ट वास्तव में हाँ कर देता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हाथ से गवा देता हूँ, तो बस मैं दिल की सुनता हूँ, कभी कभी वो सही होती है, कभी वो नहीं होती, बट दिस इज़ हाउ लाइफ आई, दिस इज हाउ आई एम। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वक्त लेकर सही चीज़ कर लें, और जब ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप कुछ भी मतलब कुछ अच्छा लगा बस मूड हुआ है उस मोमेंट में, जो मतलब है इमरान अब्बास मूडी भी हैं साथ شدید। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? मतलब अब बहुत कंट्रोल करने लगा हूं, गुस्सा अब बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगा हूं, पहले बहुत आता था, लेकिन मुझे लगता है कि गुस्से से
कुछ नहीं होता सिवाय अपने नुकसान करने के, तो अब मैं आई जस्ट ट्राई टू कीप माय सेल्फ. हाँ अच्छा है, अपनी गलतियों से हमें सीखते भी रहना चाहिए. अच्छा एक सीन आपका है हराम जुनून का जो मुझे खुद ज़्यादा तौर पर पसंद आया और बहुत वायरल भी हुआ, जब वो डिलीवरी बॉय बिल्कुल एक अपनी बाइक पे बैठ के जाना और घर पे जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना, और सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जॉब है, आपने वो काम करना है, किसी को भी अगर कहा जाएगा तो शायद वो ऐसा ही करेगा, लेकिन ऑडियंस ने उस चीज़ को बड़ा डिफरेंट तरीके के से लिया कि मतलब इमरान अब्बास डिलीवरिंग अ पिज़्ज़ा टू नीलम मुनीर. सो हाउ वाज दैट? मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि ये जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं ना, हर कोई काम करने वाला वो बहुत काबिल इज्जत होता है और बहुत काबिल एहतराम होता है, हर कोई अपनी जगह पर. और मुझे वो बहुत बुरे लोग लगते हैं जो रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को डांटते हैं, अपने घर की सारी गुस्सा और बदतमीज़ी जो है वो आप एक ऐसे शख्स पे निकाल रहे हैं जो सिर्फ आप को इसलिए उसकी जॉब है कि वो आपको इज्जत दे. अगर वो आपको मारने पे आपके जवाब में बदतमीज़ी करने पे आए तो वो आपको भी उठा के पटकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए कि उसकी वो जॉब का हिस्सा है. तो ये एक बात में बात आ गई, लेकिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम आप सब लोगों को ये है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को बिल्कुल कमतर मत समझा करें, उन सबको इज्जत दिया करें जो आपके घर में सर्दी गर्मी बारिश में होम डिलीवरी वाले जो आ रहे होते हैं, कितने बेचारे वो मुश्किल से, उनके क्या कोई ज़्यादा उनको आप टिप भी नहीं दे रहे होते हैं मुश्किल, बट जस्ट एटलीस्ट गिव देम रिस्पेक्ट विच इज़ आई थिंक वी ऑल क्रेव फॉर. तो एक बड़ा प्यारा कैरेक्टर था और इसमें लोगों ने ये नहीं सोचा कि शानी जो है बेसिकली उसके भी जज्बात हैं, वो अपने घर वालों की प्रेशर में आके वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट. अच्छा उसके बाद आपने जब भी कभी पिज्जा ऑर्डर किया याद आया अपना ये कैरेक्टर? मैं पिज्जा असल में खाता नहीं हूँ, काफ़ी अनहेल्दी चीज़ है, तो इसलिए मैं तो खुद तो नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ मेरे जो बच्चे हैं यानी मेरे भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजे वो डिलीवर करते हैं, तो मैं और जब भी वो कोई आता था और मैं कभी गेट पे चला जाता था तो वो सब सर क्या आपने कैरेक्टर किया, आपने तो हमारे वाला कैरेक्टर किया, तो मैं कहता था यार हाँ आप मुझसे बहुत बेहतर हो, मैं तो सिर्फ ड्रामों में नज़र आ रहा हूँ, आप लोग तो एक्चुअली बड़े हार्ड वर्किंग लोग. लेकिन एक चीज़ ये है कि जब कोई इस तरह का कैरेक्टर किया जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन ने जब एक मजदूर का कैरेक्टर किया था और कूली का कैरेक्टर किया था, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो कैरेक्टर बहुत मकबूल हो गया. मेरा खुदा और मोहब्बत कूली वाला जो एग्जैक्टली आपका कैरेक्टर, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के रोल, लेकिन मुझे इस तरह के रोल बहुत कम मिलते हैं. मैं बड़ी ख्वाहिश है मुझे कि मुझे कुछ ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन पता नहीं मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर शायद इस रोल में फिट महसूस करते नहीं, लेकिन मुझे बहुत ख्वाहिश है ऐसे रोल्स करने की जिसमें एक मेहनत कश का रोल हो. अच्छा मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, मतलब बहुत सारे तो नहीं, जो दो चार इंटरव्यूज़ आप कभी दे देते हैं उसमें सुना है कि खुदा मोहब्बत चेंज योर लाइफ इन सम वे. खुदा और मोहब्बत सीज़न वन इट चेंज्ड माय लाइफ इन लाइक मेनी डायरेक्शंस इन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सबसे पहली तो ये कि इसने मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी कि वो अभी तक मैं उसका मुझे लगता है कि आसान मंद रहूँगा उस प्रोजेक्ट का हमेशा. हर खित्ते में वो देखा गया लोगों के, अभी तक फ़ोन के अंदर मेरे इतने प्रोजेक्ट्स आए सब एक जगह, लेकिन खुदा और मोहब्बत का हमाद पहले वाले सीज़न का उसकी पहचान जो थी वो बड़ी प्यारी थी, और उसमें वाकई वो मोहब्बत में कुछ उसमें कुछ था भी, उसके अंदर कुछ प्योरिटी सिंप्लिसिटी, क्योंकि उसके बाद जो दोबारा खुदा और मोहब्बत 2 बना जिसमें मैं ही था उसमें वो बात नहीं आई, क्योंकि जब आप फोर्सफुली चीज़ों को करते हैं तो वो बदल जाती हैं, जब आप दिल से कर रहे होते हैं तो उसका कुछ और नज़र आता है, चाहे उसमें आपके बजट हल्का हो. खुदा मोहब्बत 1 का भी इतना हैवी बजट प्रोजेक्ट नहीं था, बट इट वॉज वेरी क्लोज टू एवरी वंस हार्ट. सेकंड प्रोजेक्ट वॉज शॉट इन USA, एवरी थिंग वॉज सो लार्जर देन लाइफ, हर चीज़ पैसा खर्च किया, ग्रैंड, बट द सोल वॉज मिसिंग सम हाउ. आई थिंक दैट वाज प्रेजेंट इन द फर्स्ट वन. ये बताएं कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 बनता है तो फिर आपका क्या प्लान है? मेरा तो कोई प्लान नहीं है, प्रोड्यूसर्स का प्लान होता है हम तो. लेकिन उसमें जो प्रपोज्ड है कास्ट, जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर वो लड़का है तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा बच्चा है और उसको करना चाहिए. वो एक हमारे डायरेक्टर साहब का प्रोड्यूसर साहब का बेटा है, हारून कादवानी की बात कर रहा हूँ. हाँ हारून कादवानी अगर वो कर रहा है तो आई एम नॉट श्योर, अगर वो कर रहा है तो मैं दिल से खुश हूँ. फिरोज़ भी कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टर है फिरोज़, बहुत मेहनती लड़का है, और हारून भी बहुत अच्छा लड़का है. मैं इन दोनों के लिए बहुत दुआ गूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि
एक मेरा लगाया वही पौधा था खुदा मोहब्बत, जिसको आगे मुझसे आने वाले एक्टर्स उसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक मैं शायद करता तो उतना अच्छा नहीं करता. हारून ने ये फेरो से बहुत अच्छा किया. आई एम श्योर कि आप भी करते तो बहुत अच्छा करते. इस ड्रामे की मैं अगर अपनी मेमोरी आपको बताऊँ तो खुदा और मोहब्बत जब सीज़न वन आया था तो आई वाज लाइक हम मतलब इतने अब जितनी बड़ी मैं इस वक्त हूँ उतनी बड़ी बिल्कुल उस वक्त नहीं. यकीनन सो जब उसको हमने देखा और मेरी बहनें भी साथ साथ फॉलो कर रही थी तो हमने जब सीज़न टू देखा मतलब तब भी वो बिल्कुल एक नॉर्मल था कि हाँ ठीक है ये कहानी है. लेकिन जब सीज़न थ्री देखा तो हमने कहा नहीं जो हमारा पहले वाला हमाद है ना उसको वापस आना चाहिए था. पहले वाला हमाद वाज बेटर. यहाँ की मोहब्बत है और ये मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ. एकदम बन जाती है फिर वो अल्टीमेट हो जाती है उसको बार बार टच नहीं करना चाहिए. हाँ आई थिंक वो एक बस पे भी खुश नहीं हुआ जो मैंने सेकंड कर लिया. आई थिंक दैट वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन एज वेल. पहले के बाद छोड़ देना चाहिए था. एक चीज भी कल्ट क्लासिक बन जाती है तो उसके बाद फिर आपको बस उसका ख्याल उसका जो एक बन जाता है ना एक आपके ज़हन में एक ऑरा क्रिएट ऑरा क्रिएट हो जाता है और ब्रेक कर देते हैं दोबारा. हमाद रज़ा वाज लाइक हमारा फेनोमेनल. आई थिंक आई वुडंट बी एबल टू डू इट अगेन. इवन इफ आई ट्राई हार्डर आई वुड नॉट बी एबल टू डू खुदा मोहब्बत वंस अगेन. चलो कोई बात नहीं. कोई बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं. देखते हैं कि फिर कहाँ पर आप हमें नजर आते हैं. बहुत प्यारी चीज. आई एम प्लानिंग टू प्रोड्यूस दो चीजें हैं. अच्छा. तो आप जब देखेंगे तो आप ये तो नहीं कहूँगा कि हमाद को भूलेंगी लेकिन हाँ आप यकीनन वो एक आपके ज़हन में बिल्कुल नया इमरान का इमेज बनाएंगे. ओके सो आप ड्रामा ही ड्रामे की ही बात करें मेरा ख्याल. जी ये तो ये जो मैं प्रोड्यूस कर ड्रामा ही कर रहा हूँ. चलें ये भी ये एक्सपीरियंस भी हम आपका जो है ज़रूर देखेंगे. अच्छा फिर उसके बाद एक अच्छी स्पेशल आपसे जो मेमोरी बहुत सारे लोगों की जुड़ी हुई भी है वो जब ए दिल है मुश्किल आई थी. सावन आया कि मेमोरी आपको याद. मुझे नहीं याद आ रही. आई एम सॉरी. आप बताइए. अच्छा आपको वह गाना याद नहीं मोहब्बत बरसा देना तू सावन. वो याद है. वो भी शायद इसी वजह से याद है कि उसमें आप थे. अच्छा आई एम नॉट अ वेरी मतलब बॉलीवुड फैन इन मतलब कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जो हम सब देखते हुए बड़े. मुझे मेरी लाइफ में सावन आया है जो गाना था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वो अरिजीत के भी बेस्ट गानों में से है और जब भी बारिश होती है तो एफएम पे वो जरूर प्ले हो रहा होता है एंड पीपल रिमेंबर मी इन इंडिया स्पेशली फ्रॉम दैट सॉन्ग. सो आई हैव अ वेरी स्पेशल कॉर्नर फॉर दैट सॉन्ग सावन आया इन माय हार्ट. हाँ इनफैक्ट के अभी भी एफएम वगैरह पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई है तो मैंने ओल्ड स्कूल बॉलीवुड टाइप का गाना ऐसे नॉस्टैल्जिक वाइब्स हैं उसकी बहुत ज्यादा और फिर आपका चेहरा ज़हन में आता है उसके साथ तो इसलिए भी ऐ दिल है मुश्किल में भी हमें काफी चीजें नजर आई थी. डॉक्टर फैसल और अभी कुछ उसका एक सीन वायरल भी हुआ था जगह जगह. मैं कह रहा था कि भाई मुझे लोग कहते थे ये आप वाकई के इस तरह आप छापे में पकड़े गए या कुछ ऐसा कुछ. मैं कहता था नहीं भाई फिल्म का सीन है अगर आपने नहीं देखी तो देख ले. ये बात आपकी फिल्म पर तो रह ही गई. अच्छा. तो क्या कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं क्या कहानी है. मैंने सुना है कि म्यूजिक तो बड़ा शानदार है. आप लोगों ने उसकी गवाही उस दो गानों ने देख दो तीन गाने जब तक रिलीज हो गए उन्होंने दे भी दी कि गाना बहुत खूबसूरत है और हर गाना मुख्तलिफ है दूसरे से और दिल को छूने वाला है. शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको जो उर्दू समझने वाले भी हैं जो पंजाबी नहीं समझते उनको वो समझ में आ जाएगा जो एक्सट्रैक्ट है ना गाने का. सो ये कमाल है और बहुत खूबसूरती से गाए गए हैं बहुत खूबसूरती से कंपोज की गए हैं और जो शॉट उनको मतलब द वे दे हैव बीन शॉट जिस तरह उनको शूट किया गया है वो भी आप देखिएगा कि वो बहुत खूबसूरत हैं. मतलब आँखों को और दिल को सुकून देने वाले गाने होते हैं. अगर उदास कोई सैड गाना है तो वो आपको रुलाएगा आपके आंसू निकलेंगे और जिस पॉइंट पर आतिफ का वो गाना है एट द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म. अब मैं बताना नहीं चाहता कि आपका स्पॉइलर आ जाएगा लेकिन वो इतना दिल को छुएगा आपके कि यू विल हैव टू वेट टिल द एंड टू लिसन टू दैट सॉन्ग. ओह माय गॉड. यू विल हैव टू वेट टू द एंड. सिमी के साथ मेरी दोस्ती पहली मुलाकात में हो गई थी. अच्छा. और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे साथ जो एक्टर या एक्ट्रेस हो वो उससे मेरी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए या मेरी उससे एक कंफर्ट जोन में हम पहले सीन से पहले आ जाएं नहीं तो मैं नहीं कर सकता काम. और सिर्फ सिमी के साथ नहीं मिंटू हु इज़ प्लेइंग माय फ्रेंड मिंटू कापा. भाई क्या कमाल के एक्टर हो भाई तुम. आपकी कॉमेडी टाइमिंग्स एंड द वे यू डिलीवर्ड ऑल दोज लाइन्स एंड द वे यू पोर्ट्रेड योर कैरेक्टर सरबजीत मिंटू ये तेरे लिए. और सिमी के लिए भी जान है यार सिमी बहुत प्यारी दोस्त है एंड बड़े मज़े की मतलब
यार तू ये ज़्यादा सोचा ना कर, तू ज़्यादा सोचा तो परेशान ना कर, तू ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया कर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, किसी भी बात में जाकर मेरा दिमाग घूम जाता था और फिर पढ़ लेती थी। आज तू वो वाला इमरान नहीं लग रहा, नहीं नहीं नहीं, यू नॉट द सेम। क्योंकि आपने अब यहाँ पर भी काम किया है, वहाँ पर भी काम किया है, वहाँ से मुराद बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, तो आपकी जो को एक्ट्रेसेस हैं उनकी तरफ हम आएंगे थोड़ा थोड़ा। नीलम के साथ अभी रिसेंटली आपका एक प्रोजेक्ट गया था हमारी एहराम जुनून, सो हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद नीलम? आप लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जहाँ तक मैंने सुना है। मैं नीलम से पहले एक दो दफ़ा ही मिले थे, एक दफ़ा से मैंने इंटरव्यू लिया था और एक हमने टी वी सी साथ किया था किसी एक रियल एस्टेट का, तो मेरी बहुत अच्छी उससे कोई दोस्ती या सच नहीं थी, लेकिन एहराम जुनून में हम काफ़ी अपने साथ वक्त गुजारा और फिर हमारी दोस्ती हुई। और बहुत ही फोकस्ड लड़की है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसको मैंने कभी किसी के बारे में गॉसिप करते नहीं सुना, उसको मैंने कभी किसी एक्टर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, शी जस्ट कम्स टू द सेट फोकस्ड, सारी लाइंस पक्की, अपना काम करेगी और वापस जाएगी। कोई इधर उधर की उसको दुनिया में फिक्र नहीं है सिवाय ये कि अपनी ज़िंदगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका ये वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। अच्छा, आपका और सबा का भी एक सीन था जिसमें आप एक बाग में मेरा ख्याल है टहल रहे थे और कोई खूबसूरत सा गाना पुराना उस वीडियो के पीछे था। मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे पहली सी नहीं, मुझे तुम नज़र से गिरा मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। सो अच्छा, वो आप दोनों को साथ देखना इज इट सेल्फ अ ट्रीट, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक तो आपको उनके साथ भी देख रहे थे और फिर आपको भी देख रहे थे। सबा के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था। हाँ, ये पहली दफ़ा ही था जी। सो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम का? वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा। ऑफ कोर्स सबा एक हमारी उन फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से हैं जो आजकल काम कर रही हैं। बड़ा मज़ा आता है किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करना जहाँ आपको एक रिएक्शन अच्छा मिल रहा हो, आपको पता हो कि वो भी अपना सीन बेहतरीन करेगी, वो भी अपने काम को दिल से करेगा जो दूसरा इंसान है। तो सबा के साथ काम करना इज़ ट्रूली अ डिलाइट फॉर एनी एक्टर, बिकॉज हर एक्टर को अपने साथ एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए होती है जिसको अच्छी मतलब जिसको आप जिसकी वजह से अच्छा काम करें, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन का गेम होता है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ फिर इसलिए कि सबा ने वो बड़ा प्यारा कैरेक्टर किया और आप हर कैरेक्टर ही अच्छा करती है। ओके, अच्छा बहुत सारी बातें हो गई, मेरे ख्याल है आप थक भी गए होंगे सुबह से इंटरव्यूज दे देंगे। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। रेडी हैं आप रैपिड फायर के लिए? 100%। ओके, सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। आया लड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यावन। इसके आगे मैं क्या पूछूं? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? मेरे तो इमरान अब्बास होंगे इसके। फिर पाकिस्तानी सिंगर, यार वी आर ब्लेस्ड टू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर्स स्टार्टिंग फ्रॉम महनाज, नयरा नूर, वाओ, आबदा परवीन, मैडम नूरजहां ऑफ कोर्स, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान, बट आफ्टर दीज नेम्स फिर बहुत बड़ा सा गैप आ जाता है। फरीदा खानम, हाँ, उसके बाद फिर बहुत गैप के बाद और लोग आते हैं। ओके, सो हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? माय चाइल्डहुड हार्ट्स अभी भी। तो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? मुगल-ए-आज़म, उसके बाद फिर बहुत लंबी लिस्ट। ओके, विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? इन फ्यूचर पाकिस्तान, इफ बाबरा शरीफ कम्स बैक इन द इंडस्ट्री, आई वुड लव टू share my screen space with her. If I don't know where Neeli is, Neeli ke saath kahin woh pata nahi kahan hongi, dekh rahi hongi ki nahi, mujhe Neeli bahut pasand thi. Reema ke saath to maine kar liya. And in India I would love to work with Madhuri Dixit. One thing you wanna change about yourself? I wanna change about myself. I would love to be a little more insensitive towards many things. Main bahut cheezon ko dil pe baaz dafa laga leta hu, jo ki itna mera khayal hai ek इतना ज़्यादा होती नहीं है इस काबिल। ओके, कराची और लाहौर? सी आई कैन नॉट कंपेयर बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम लाहौर, सो आई हैव माय वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज कनेक्टेड टू लाहौर एंड कराची। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट द सिटी, आई लव द सिटी बिकॉज इसने मुझे बहुत दिया है, बहुत प्यार। और ये सारी इंडस्ट्री का जितना भी मैंने काम किया, जो मेरे बेस्ट जिंदगी के काम है, मैं जो आज जो भी कुछ हूँ कराची की वजह से हूँ। ओके, सो कॉफ़ी और चाय? चाय तो मैंने कभी भी नहीं पी, कॉफ़ी एनी डे ऑफ कोर्स। बिरयानी और निहारी? None of them. So morning person or night owl?
अब मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर फजर और उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदली है. अब मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ. ओके सो देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग यार एनीथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल कुछ भी मेरा कुछ भी जो भी कम्फर्टेबल हो इट डिपेंड्स. ओके लवली टॉकिंग टू यू. लाइकवाइज क्या कृष्णा. हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा लेकिन आपने वक्त दिया और आप थक भी गए हैं और आप टाइम देख रहे हैं और आपको जाना है. सो आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इमरान अब्बास की फिल्म आ रही है जीवे सोनिया जी. सो उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें हम आपको पंजाबी बोलता हुआ भी सुनेंगे. हाँ ये भी आपने सब्र का इम्तिहान है. सो ज़रूर जाके देखिएगा और बताइएगा. टिल देयर अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.